सात महीने में ये हाल है तो एक साल का होगा तो कितना बड़ा भैंसा हो जाएगा तू। आज का दिन है दिवाली का और मैं बहुत लेट हूँ ऑलरेडी डेकोरेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा मैसअप है मेरे पीछे। क्लीनिंग की बात आए तो बहुत डिफिकल्ट है यार, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के साथ क्लीनिंग करना। कल हमने छोटी दिवाली के दिन पूरा दिन शॉपिंग करी है, इन द सेंस छोटे छोटे सामान कलेक्ट करना जगह जगह जाके, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है यू वोंट बिलीव। मतलब 5 मिनट के रास्ते में मुझे 1 घंटा लग गया घर वापस आने में, है ना नाते? और गाइस मैं आपको कुछ बोलना चाहता था एक दिन से, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, बड़ी हैप्पी दिवाली। हाँ, एक दिन से बोलना चाह रहे थे गुल्लू। तो प्रीक्षा तो चली गई है अपने नानू की फैक्ट्री में, वहाँ पे पूजा होती है हर साल दिवाली वाले दिन। और नैतिक मेरे साथ है क्योंकि उसको गाड़ी में उल्टी आती है। तो प्रीक्षा तो आएगी शाम तक, तब तक हम डेकोरेशन कर लेते हैं। बच्चा ये देखो हम क्या लाए हैं। हाँ अभी दिखाएंगे, जब डेकोरेट करेंगे ना तो हम दिखाएंगे। ये देखो, अभी रुको बेबी फूट जाएगा वो। ये देखो इसमें ये भी है। अरे वाह ये लाइट जलती है, वाह। ठीक है अभी तो ओली के लिए भी लाना है हमने दिवाली गिफ्ट, है ना ओली? ओली के लिए आज मैं सुंदर सा बेड लेके आऊंगी जिसमें वो सोएगा, और हमारे बेड में नहीं सोएगा। इसको बड़ा शौक होता है ना हमारे बेड में सोने का। ठीक है ओली, ओके बच्ची। चलो अब ये वाला काम कर लेते हैं। पहले तो मैं ये वाली हैंगिंग लगाऊंगी जो कि वहाँ लगाने वाली हूँ मैं, और ये रॉड मैंने ड्रिल कराई थी कल, फिर से झड़ गई थी, नहीं तो मैंने कल ही कर देना था। बट अब मैंने दोबारा से इसे टांग दिया है जुगाड़ लगा के। पहले मैंने इसमें गमले टांगने थे, मैं कुछ पॉट्स लेके आई थी हैंगिंग वाले, बट वो बड़े हैवी हो रहे हैं, इसमें 2-3 बिट्स और लगेंगी शायद, तभी जाके हो पाएगा। बट फिलहाल उसका मैंने जुगाड़ बाहर कर दिया, अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। इनको फिलहाल मैंने यहीं पर टांग दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो अभी थोड़ा सा लाइट वाइट लग जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से अभी फिलहाल। यहाँ पे हम छोटी छोटी रंगोली बनाएंगे शाम को। शाम को नहीं अभी कर दूंगी क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा, और एज यूजुअल नैनो की चप्पलें बीच में है। तो फिलहाल लड़ियों का काम और ये थोड़े से कुछ डेकोरेशन के फ्लावर्स वगैरह मैं लाई थी, इनको हम डेकोरेट कर लेते हैं। और ऐसे ये वाले फ्लावर्स मैं लेके आई थी, और ये छोटे छोटे प्लांटर्स ये भी लेके आई थी। ये छोटे छोटे प्लांटर्स मैं लेके आई हूँ। अभी डेकोरेट वेल सेटल नहीं है तो आपको फाइनल लुक थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। देखो ऐसे डेकोरेट कर लिया है, और ये लाइटें लग गई हैं, ये रात को बहुत ही अच्छी लगेंगी। एंड ये जो लाइटें हैं ये बाहर जा रही हैं, बाहर पूरे सुंदर लाइटें लग गई हैं। सो ये लास्ट टाइम आपको पता ही है कि मैं ये उडली लेके आई थी, अभी तक तो पैक पड़ी है, अभी से साफ कर लेते हैं धोके। सेटअप, इसमें मैंने दिए वाली लाइटें लगा दी हैं, और यहाँ लगाया हमने पूजा का सामान। यहाँ पे करेंगे हम, मैं ये वाले गणेश जी और लक्ष्मी जी लाई हूँ, अब रात को इनकी पूजा करेंगे। अभी मैंने सेटअप सारा लगा दिया, यहाँ पे बड़ा दिया आए। हम ओलिव के लिए क्या लाए, हैप्पी दिवाली ओलिव। ओलिव के लिए नया बेड आया है, बेड कह रही हूँ बेड। ओलिव आपके लिए नया बेड आया, देखो
खोले हम इसको। अरे अरे पापा नया बेड, अरे वाह बैठ जाओ। अरे मजा आ गया, खोले से अपना पट्टा खोलो। अरे नया पट्टा भी आया है। अरे कैसा आया बच्ची, चलो छोटा तो नहीं हो गया, ये बड़ा लाऊं क्या? छोटा तो नहीं हुआ इसके लिए, इसमें लग रहा था समय नहीं ले पड़ा, बाल मत चिपकाया दे रहूंगी भी। बैठ तो जाए, पर बैठ जाना ओली शेट। तो पहला वाला बेड तो ओला के छोटा पड़ गया, और आपका पहला बेड छोटा पड़ गया था ना, ये देखो अपने बेड के लिए कैसे कर रहा है, लपक रहा है। रुक जा मैं दे रही हूँ, वेट करो वेट करो। अब आपका ये दूसरा बेड लाई हूँ मैं बड़ा सा, रुको हटो हटो हटो, मम्मा खोलेगा। तो हम पहले ओलिव के लिए लाए थे एक स्मॉल साइज का बेड, वो पड़ गया उसको छोटा, ये खा के जो भैंसा बन गया है। अब इसके लिए लाई हूँ मैं मीडियम साइज, इसमें भी देखो पूरा फिट आ रखा है। मतलब 13 अगस्त 7 महीने में यह हाल है, तो 1 साल का होगा तो कितना बड़ा भैंसा हो जाएगा तू है बच्ची। हैप्पी दिवाली सोनी बच्ची, थोड़ा शैतानी कम करना इस दिवाली, ठीक है मजा आ रहा है। और ये एक नया फैट पट्टा लाए हम इसके लिए, क्योंकि उसने पुराना वाला काट दिया था बुरी तरह, जैसे कि उसने ये काटा है। बाप रे, चल एंजॉय योर दिवाली। हेलो नैनू प्रसाद खाओ, गुड बॉय। अब आप इधर से खाओ, कैसा हो रहा है? जैसा कि आपने पूरा व्लॉग देख ही लिया होगा, मेरे पूरे व्लॉग में आपने देखा होगा आज मैंने कितना स्ट्रगल कर करके सारा काम किया है। तो यार फाइनली अब मेरी पूजा भी हो गई है, मैंने दिए भी जला लिए हैं, अब मैं हो थक गई हूँ बहुत। और ये देखो क्या कर रहा है गंदे ओली, ये माचिस के डिब्बे लेके भाग रहा था। और हाँ मेरे को ये जरूर बताना कि मेरी ये छोटा मोटा सा एफर्ट मैंने ये डेकोरेशन में किया है, ये आपको कैसा लगा जी बताऊँ? लास्ट मिनट सब कुछ हुआ है, कोई प्लान नहीं था, मैंने बस लाके सारा सामान रख दिया था, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं ये ऐसा लगाऊंगी, वैसे मैंने यहाँ से कुछ हैंगिंग्स फ्लावर्स यहाँ पे टांगूंगी, बट लास्ट मिनट में क्या हुआ कि ये मैंने जो ड्रिल करवाया है वो नीचे गिरने लग गया उसके वेट से, तो वो संभाल नहीं पाया। तो मैं अब क्या करूँ, फिर मैंने इसका जुगाड़ करके इसको फिट किया और इसमें लाइटें लगा दी, और जो फ्लावर पॉट मैंने यहाँ पे लगाने थे वो मैंने बाहर लगा दिया, और वाकई में वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसमें मैंने ऑटोमेटिक वाली लाइट लगा दिया, तो वो और एनहेंस होके इसके ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना उसको लगाने के बाद। सो चलो अब आ गया है पटाखे फोड़ने का टाइम, बच्चे ऑलरेडी शायद पटाखे फोड़ रहे होंगे, मैं जाके थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो मैं कर लूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, 9 बज चुके हैं। हैप्पी दिवाली प्रिशा, हैप्पी दिवाली, पकड़ो इधर आ,
अबे लल्ले कितना डरता है तू। देखो वो बोला हैप्पी दिवाली। अबे कितना फोड़ेगा ले यार मेरे को भी दो यार। हेलो रे हेलो हेलो रे हेलो हैप्पी दिवाली बोलो बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ ऐसे कर। अरे वो सीधा सीधा कर। हाँ हाँ ऐसे ऐसे बस 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 लगा लगा ले। एक डबल वाला है। खड़े जाओ। ऋषा मजा आ रहा है। डबल वाला है। खुश तो हो थोड़ी सी। डबल वाला है। इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। बाय।